परिवर्तन जरूरी है। कोनो तरह धन यदि भऽ गेलै कोनो के समाज में ओकरा मान आदर भेटै छै, जायज ढंग से कमेलकै कि नाजायज ढंग से कमेलकै, कोनो उच्च पद भेट गेलै अब ईमानदारी के साथ वो अपन कर्तव्य के निर्वहन कर सके कर रहल छै कि नहीं, कर्तव्य संपादन कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै, अपन उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै, जे दाय नहीं दै छै समाज में ओकर प्रतिष्ठा बढ़ि जेतै, अपने ओकरा मान आदर भेटतै। तऽ जे धन नाजायज तरीका से कमाए छै तकरा यदि समाज में तकर तकरा मान आदर नहीं भेटै, लोग चल कर देखो हमरा के धने भेल तो की भेल, नाजायज धन से कमेने से तकरा ढेर दृष्टि से देखल जाए तखन स्वयं ई जे समस्या छै ओ भऽ जेतै, स्वतः हो जेतै भूमि दिया कर्तव्य के संपादन नीक जका नहीं करे छे, अपन उत्तरदायित्व के निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं करे छे, तो स्वयं देखबे जे धीरे 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 इस समस्या बहुत हद धरि हल भऽ जाए धन सरकारक समस्या, और सार्वजनिक जीवन में सूचिता आबि सकै छै। एनजीओ और आगे एनजीओ संगे की छै सेवा भाव से यदि एनजीओ आई एनजीओ में छै होतै तखन तो दोसर गप, अब अपन स्वार्थ सेहो देखते व्यक्तिगत स्वार्थ बेसी ध्यान रहते समाज सेवा दिस कम ध्यान रहते तो तखन भ्रष्टाचार होते करते। अब एनजीओ आई एनजीओ से संबद्ध व्यक्ति यदि मूल्य में परिवर्तन होते समाज में मूल्य में परिवर्तन भेला से अपने जे आई एनजीओ एनजीओ में छे ओ अपन स्वार्थ कम देखते नहीं वो देख सके हैं, सेवा भाव से प्रवेश करे कोई प्रश्न नहीं होते। अब वास्तव में क्या तो कार्य संस्था जैसे थी इधर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्था और वही सबसे अपना ये जो हमारे हिंदी में स्वास्थ्य है जब हम अपन स्वास्थ्य पर नियंत्रण कर सकते हैं हम अपन स्वास्थ्य जिम्मे लाई जाएगी स्वास्थ्य जिम्मे लाई जाएगी ना भरोसा नहीं है